अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। रेसिपी को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो ये हमारी रेसिपी के इन्ग्रीडियंट्स हैं, जिसमें मैंने 1 kg चिकन ले लिया है और 8 से 10 अदद लौंगे ले लिए हैं और 1 teaspoon ब्लैक पेपर, 2 अदद बादियान के फूल, 2 बड़े साइज़ की इलायची, 4 सब्ज़ इलायची और 3 टुकड़े मैंने दालचीनी के ले लिए, 1 teaspoon ज़ीरा ले लिया और यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए, 1 पाव दही ले लिया, 1 tablespoon साबुत धनिया, 2 tablespoon भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया और 4 अदद मैंने यहाँ पर आलू खड़े ले लिए, 1 teaspoon लाल मिर्च कुटी हुई और 1 teaspoon नमक ले लिया और यहाँ पर 4 अदद मैंने टमाटर का पेस्ट ले लिया। तो चलिए अब हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। तो जो रेसिपी को शुरू करते हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ पर साथ में पानी बॉईल होने के लिए रख दिया चावलों के लिए। तो यहाँ पर हम पानी बॉईल कर लेते हैं और साथ ही हम अपना कोरमा भी रेडी कर लेते हैं। तो कोरमे के लिए भी मैंने रख लिया। अब हम ऑयल ऐड कर देते हैं। ऑयल में प्याज ऐड कर लेते हैं साथ ही। प्याज का हम हल्का सा कलर चेंज कर लेते हैं, ब्राउन सा कर लेंगे इसको, ज़्यादा डार्क कलर भी नहीं करेंगे। प्याज फ्राई हो रही है और अब हम देखते हैं, पानी को बॉईल आ गया तो उसमें चावल भी ऐड कर देते हैं। तो देखिए पानी को बॉईल आ रहा है, अब हम इसमें चावल ऐड कर लेते हैं। चावलों को बॉईल कर लेते हैं अच्छे तरह से, 1 कनी बस रहने देंगे। चावलों को एक बार मिक्स कर लेते हैं और पानी में मैंने सिंपल बस नमक ऐड किया है 3 tablespoon। तो बस अब इसे बॉईल होने देते हैं। और हमारी प्याज भी साथ साथ फ्राई हो रही है तो प्याज का कलर चेंज कर लेते हैं, फिर हम इसमें चिकन ऐड कर लेंगे आगे। तो प्याज का कलर चेंज हो चुका है तो अब हम इसमें चिकन ऐड कर लेते हैं। सारा चिकन ऐड कर लेते हैं पहले। तो चिकन ऐड कर लिया, अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसकी भुनाई कर लेते हैं। साथ साथ हमारे चावल भी बॉईल हो रहे हैं, तब तक हमारा कोरमा भी रेडी हो जाएगा। और चिकन की बुनाई के साथ साथ हम यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर लेते हैं, इसकी भी अच्छी तरह से बुनाई कर लेते हैं और साथ ही गरम मसाला भी। तो अब इन तीनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। तो हमारे चिकन की भुनाई हो रही है, अच्छी तरह से भुनाई हो रही है और ये हमारे चावल भी बॉईल हो चुके हैं तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं।
ये देखें अच्छी तरह से बॉईल हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं स्ट्रेनर में और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो व्यूअर्स हमारी चिकन की भुनाई हो रही है, ये देखो भुनाई हो रही है। अब यहाँ पर हम साथ में अपने स्पाइसेस भी ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैकेट बिरयानी मसाले का लिया है, वो ऐड कर देते हैं। और साथ ही आलू बुखारे भी ऐड कर लेते हैं, नमक और चिली फ्लेक्स। तो अब इसे मिक्स कर लेते हैं और मसाले की अच्छी तरह से भुनाई कर लेते हैं। और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये बिरयानी रेडी होगी। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो बस अब मसाले की भी भुनाई होने देते हैं। व्यूअर्स जैसे कि मसालों की बनाई हो रही है, तो साथ में ये जो हमने टमाटो पेस्ट लिया है अपना, उसको भी ऐड कर देते हैं। और अब हम इन सब चीज़ों की अच्छी तरह से भुनाई कर लेते हैं, हमारा कोरमा रेडी हो जाएगा। और बस जब हमारा हाफ कोरमा रेडी हो जाएगा फिर हम इसमें दही भी ऐड कर लेंगे बाद में। अभी इसकी भुनाई होने देते हैं अच्छे तरीके से। तो जो देखें हमारे कोरमे की भुनाई हो रही है अच्छे तरीके से। तो अब हम यहाँ पर साबुत धनिया ऐड कर देते हैं इसमें। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। माशाल्लाह से देखें कितना प्यारा लग रहा है हमारा कोरमा, अभी रेडी भी नहीं हुआ और अभी से इतना मज़ेदार सा लग रहा है। तो बिरयानी में तो फिर बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। और अब हम इसमें दही ऐड कर लेते हैं, फ्लेम को हम लो कर लेते हैं। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और अच्छी तरह से भून लेते हैं जब तक कि जो दही है उसका पानी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। फ्लेम को हम फिर से मीडियम कर लेंगे। और अब हम इसकी भुनाई कर लेते हैं। तो हमारा कोरमा रेडी हो चुका है, बस हम ऊपर से इसमें से थोड़ी हरी मिर्ची ऐड कर देते हैं और इसको एक बार मिक्स कर लेते हैं। और ये हमारा कोरमा रेडी हो चुका है, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू भी आ रही है। तो बस अब हम अपने चावलों को दम पर रख लेते हैं। और अब कोरमे के ऊपर चावल ऐड कर देते हैं यहाँ पर जो हमने बॉईल किए हैं। तो उस चावल ऐड कर दिए हैं, इनको सेट कर लेते हैं। और अब हम यहाँ पर ये मैंने इमली ली है, इसको हम ऐड कर देते हैं। पानी में थोड़ी सी भिगोई थी, इसको ऐड कर देते हैं। और थोड़ा सा ज़्यादा रंग है ये ऐड कर देते हैं। और ऊपर से पुदीना। तो बस अब हम इसे दम पर रख देते हैं। माशाल्लाह से हमारी बिरयानी रेडी हो चुकी है, इसे हम दम पर रख देते हैं और फिर इसको डिश आउट करके आपसे इसकी फाइनल लुक शेयर करते हैं। 10 से 12 मिनट तक हम इसे दम पर रखेंगे। तो
व्यूअर्स देखें माशाल्लाह से हमारी बहुत ही मज़ेदार सी और सिंपल सी ब्रांडी रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह देखें कितनी प्यारी लग रही है। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में भी जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो नेक्स्ट वीडियो आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।